The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन आज की हमारी बातचीत होने वाली है मलेरिया पे जी हां डेंगू मलेरिया टाइफाइड बहुत ही ज्यादा कॉमन बीमारियां हैं इंडिया की या किसी भी डेवलपिंग कंट्री की खूंखार तरीके से हर साल आती है और हजारों लाखों लोगों की जान ले जाती जी हाँ आजकल वैसे मलेरिया से ज़्यादा लोग नहीं मरते लेकिन फिर भी मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो आप आज कल परसों कभी ना कभी अपने आसपास देखोगे ही देखोगे तो इसीलिए मलेरिया के बारे में कुछ बेसिक जानकारी तो आपको चाहिए एक मलेरिया पर डिटेल वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं पहले जिसमें हमने बताया था कि मलेरिया क्या है कैसा होता है उसके क्या पैरासाइट है और क्या है क्या है आज हम बात करेंगे कि आपको मलेरिया है कि नहीं है यह हम कैसे जानेंगे उसका टेस्ट का क्या नाम है व्हाट इज द टेस्ट डन फॉर मलेरिया एंड व्हाट इज अ एंटीजन रैपिड एंटीजन टेस्ट इनके बारे में जानकारी आज आपको मिलेगी इस वीडियो में पूरी जानकारी समझिएगा नॉलेज इज प्रिवेंशन समझेंगे तो बचेंगे राइट पैसे बचाओगे आगे चल के राइट सो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट डन ऑलरेडी सो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जाननी है कि मलेरिया जो है वो होता है जब एक मस्कीटो यानी कि मच्छर वो आपको काटता है क्योंकि मलेरिया के अंदर यानी मच्छर के अंदर एक पैरासाइट होता है जो मलेरिया का पैरासाइट होता है वो आपके अंदर चला जाता है वो आपके ब्लड में जाता है वो आपके ऑक्सीजन कैरिंग रेड ब्लड सेल्स RBCs को डिस्ट्रॉय करता है तो मलेरिया डिस्ट्रॉयज योर RBCs और आपको क्या होगा कुछ ही दिनों में जैसे RBCs कम होने लगेंगे डिस्ट्रॉय हो रहे कुछ ही दिनों में कुछ ही बहुत ज्यादा बीमार होने लग जाएंगे अब क्या है कि इसमें जो सोचने वाली बात यह है कुछ ऐसे ऐसे पैरासाइट भी हैं मलेरिया के जैसे जो आपके शरीर में सालों तक रह सकते हैं जी हाँ बहुत ही ज्यादा खतरनाक बहुत ज्यादा डरावनी आश्चर्यचकित बात बट पूरी तरह से सच कुछ ऐसे पैरासाइट्स हैं जो बॉडी में सालों तक रह सकते हैं तो इसीलिए आपको ज़रूरी है ये जानना कि सिम्टम जो है वो फ्लू जैसे हैं मलेरिया के हैं किसी वायरस के हैं क्योंकि अगर आप उसको सही तरीके से डायग्नोस नहीं करोगे तो एक फ्लू के लिए एंटी पैरासाइटिक मलेरिया की दवा काम नहीं करती और मलेरिया की दवा नहीं दोगे तो मलेरिया ठीक नहीं होगा सो यू हैव टू फाइंड आउट कि ये मलेरिया है कि फ्लू है कि वायरल है कि कोरोना है कि टाइफाइड है उसके लिए आपको टेस्ट की सहारा लेना पड़ेगा ऑल्दो टेस्ट आपके डॉक्टर लिखते हैं बट आपको नॉलेज होना चाहिए वे ये टेस्ट क्या है कैसे होता है कौन कौन से तरीका क्योंकि सबसे बड़ा इशू यह है जितनी जल्दी आप टेस्ट कराओगे जो सच है जितनी जल्दी टेस्ट होगा उतना जल्दी आपका बेस्ट रिकवरी शॉर्टेस्ट टाइम में आपकी बीमारी खत्म That is the most important. तो टेस्ट भैया मलेरिया का टेस्ट बहुत जरूरी मलेरिया का टेस्ट कैसे होता है क्या होता है टाइप्स क्या है मलेरिया के टेस्ट के बहुत से टाइप्स हैं छह टाइप्स हैं बेसिकली पहला टेस्ट है सीधा सीधा ब्लड को देखना थिक एंड थिन ब्लड स्मियर जी हाँ थिक एंड थिन ब्लड स्मियर का क्या मतलब ब्लड स्मियर मतलब कांच के स्लाइड पे ब्लड लगाओ ऊपर स्लाइड एक वो डालो और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखो एक तो थिक वाला एक थिन वाला ये सबसे कॉमन सबसे एक्यूरेट टेस्ट है इसमें लैब टेक्नीशियन या डॉक्टर खुद आपके ब्लड को देखते हैं और उसमें पैरासाइट क्लियरली दिख जाता है पैरासाइट दिख गया तो दिख गया मलेरिया है बात खत्म सबसे बड़ी चीज ग्लास साइड में मैंने कहा माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है इसमें थिन वाला जो ब्लड स्मियर होता है पतला वाला उसको कहते हैं ब्लड फिल्म जिसमें सिर्फ केवल एक ड्रॉप ऑफ ब्लड लिया जाता है उसको स्लाइड किया जाता है और एक होता है थिक वाला जो ब्लड स्मियर होता है उसमें क्या है ड्रॉप्स ऑफ ब्लड लिए जाते हैं थोड़े से एरिया में और वो एक उसमें क्या है बड़े उसमें देखा जा सकता है तो बहुत ज्यादा पैरासाइट होंगे तो थिक में दिख जाएंगे थोड़े बहुत होंगे तो थिन में दिखेगा सो दैट्स द थिंग इज एक नॉर्मल टेस्ट का मतलब होता है इसमें कि आपको पैरासाइट दिखेगा ही नहीं कतई भी नहीं दिखेगा राइट दैट इज देयर ऑलराइट दैट इज देयर और इसमें नॉर्मली दो दो स्लाइड बनती है दो थिन स्लाइड दो थिक स्लाइड दो दो को चेक किया जाता है इसमें दोनों में नहीं है चलो ठीक हो तुम
किसी में भी मिल गया तो दिख गया, और इसमें क्या मैटर करता है, द नंबर ऑफ मलेरिया पैरासाइट इन योर ब्लड, राइट, ये मैटर करता है, क्योंकि ये भाई साहब बदलता भी रहता है. नंबर ऑफ पैरासाइट्स इन योर ब्लड विल चेंज, आपके खून के अंदर कितने मलेरिया के पैरासाइट घूम रहे हैं वो चेंज होते हैं हर दिन. सो आपका टेस्ट जो है कभी कभी हो सकता है ऐसा बताए कि आपके ब्लड में मलेरिया का पैरासाइट नहीं है, टेस्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी हो, दैट इज वन पॉसिबल थिंग. सो इसके लिए आपको फिर से यानी 2-3 दिन के गैप के बाद फिर से 2 बार या 1 बार या 3 बार ये टेस्ट करना पड़ सकता है. इसको हम ब्लड स्मियर बोलते हैं, जिसको हम PS पेरिफेरल स्मियर फॉर PS फॉर मलेरियल पैरासाइट, इस टेस्ट का नाम है PS फॉर MP पेरिफेरल स्मियर फॉर मलेरिया पैरासाइट, ठीक है. तो ये हम कभी कभी 2-3 दिन के गैप में बार बार करके देख सकते हैं. सबसे कॉमन, सबसे जोरदार, खतरनाक धांसू टेस्ट. अब ये टेस्ट हो गया, इसके बाद का टेस्ट क्या है, द सेकेंड टेस्ट इज रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट. रैपिड मतलब RDT, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो है एंटीजन टेस्टिंग. ये क्विक टेस्ट है, क्विक ऑप्शन है, ब्लड निकालो उसको. क्योंकि मान लो आपके पास स्मियर नहीं है, आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है, और तो क्या करेंगे, ब्लड लेंगे फिंगर से, उसको एक स्ट्रिप आती है, डिप स्ट्रिप, एक छोटी सी स्ट्रिप आती है, स्ट्रिप में आप लगा दोगे, उसका कलर चेंज हो जाता है, उसमें पता चल जाता है मलेरिया है कि नहीं. सीधा सीधा सिंपल सिंपल कलर चेंज. ये टेस्ट यूजुअली इट कैन नॉट टेल यू कि कौन सा टाइप का पैरासाइट है. मलेरिया के 4 अलग अलग पैरासाइट्स हैं, मलेरिया वाले वीडियो में हमने बताया था, तो कौन सा ये नहीं बताएगा, बताएगा है कि नहीं, ये सिर्फ बताएगा कि हाँ कि आपके अंदर ना ही, ये भी नहीं बता सकता कि माइनर इन्फेक्शन है कि मेजर इन्फेक्शन है, ये सिर्फ बताएगा कि मिला कि नहीं मिला, बस खत्म. तो यह है रैपिड एंटीजन टेस्ट, जो नहीं बता सकता कौन सा पैरासाइट है, नहीं बता सकता सिवियर इन्फेक्शन है माइल्ड इन्फेक्शन है. जबकि एक पेरिफेरल स्मीयर में दिख जाएगा तो भरे हुए हैं, ये तो एक कद्दा दिख रहा है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. देन द थर्ड टेस्ट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर टेस्ट. मॉलिक्यूलर मीन्स PCR, कोविड का जो करते हैं, कोरोना का PCR, वैसे ही इसका भी PCR टेस्ट होता है. PCR टेस्ट एग्जैक्ट कौन से टाइप का है, 4 में से कौन सा पैरासाइट है बता देगा, राइट. तो इसमें क्या होगा, इससे आपको दवाई देने में आसानी होगी कि भाई मुझे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का इन्फेक्शन है या किस पर्टिकुलर टाइप के जो पैरासाइट है उसके लिए मुझे कौन सी दवा देनी है, वो आपके लिए आसान हो जाता है. सो दिस इज अ वेरी गुड चॉइस, दिस इज अ वेरी गुड टेस्ट. इसमें आपके लो नंबर में भी अगर पैरासाइट होता है तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है. मगर याद रखिए, रिजल्ट जो है किसी भी टेस्ट के 100% वो तो होते नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें भी वेग रिजल्ट्स आ सकते हैं. तो अगेन, क्लिनिकल डायग्नोसिस इज द मोस्ट बिगेस्ट डायग्नोसिस इन मेडिकल फील्ड. ये हो गया मॉलिक्यूलर टेस्ट, देन एंटीजन टेस्ट हो गया, मॉलिक्यूलर टेस्ट हो गया, अब एंटीबॉडी टेस्ट. जी हाँ, एंटीबॉडी भी मलेरिया और एंटीजन की भी एंटीबॉडी टेस्ट होता है. इसमें पाया जाता है कि भाई आपको पहले मलेरिया हुआ था कि नहीं हुआ. इसमें हम क्या देखते हैं, मलेरिया के खिलाफ एंटीबॉडी देखते हैं. आपके शरीर के अंदर अगर एंटीबॉडी है तो आपको पहले मलेरिया एंटीजन, उसमें IgG IgM एंटीबॉडी होती है, इसमें IgG वाला देखा जाता है. IgG है तो पहले एंटीबॉडी टेस्ट हुआ था. इसके अलावा एक दो टेस्ट होते हैं. एक तो टेस्ट होता है आपका ड्रग रेजिस्टेंस टेस्ट. इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हो गया है कि अब इतने सालों से मलेरिया चल रहा है तो बैक्टीरिया, मलेरिया का वो पैरासाइट है, वो कुछ पैरासाइट्स रेजिस्टेंट हो गए, रेजिस्टेंट इन द सेंस कि वो कुछ दवाइयों से नहीं असर होता उनको. तो ये देखने के लिए कि भी आपके ऊपर कौन सी दवा असेक्ट करेगी, ये ड्रग रेजिस्टेंस, जिसको हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी कह लो, वो सेंसिटिविटी टेस्ट देखते हैं किस दवा से सेंसिटिविटी है, ताकि वो पैरासाइट को वही दवा दी जाए, मर जाए, सिंपल. और लास्ट टेस्ट जो एक बचता हमारे पास में, वो है काइंड ऑफ एक ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसमें के आपका ब्लड के ब्लड काउंट्स और केमिकल पैनल्स देखे जाते हैं. इससे ये पता चलता है कि कितना सीरियस, बेसिकली CBC, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, किडनी, किडनी फंक्शन, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारे टेस्ट किए जाते हैं देखने के लिए कि भी इन्फेक्शन अगर बहुत फैल चुका है तो आपके इस ब्लड लेवल को, किडनी को, फंक्शन को इफेक्ट करेगा, किडनी फेल कर सकता है. सो ये सारे टेस्ट किए जाते हैं अगर आपको मलेरिया है, अगर आपको बुखार है, चढ़ता उतरता है, एकदम फीवर चिल्स, फीवर विथ चिल्स एंड राइज इन टेम्परेचर है, तो आप फिर ये सारे टेस्ट में करवा सकते हैं, या अपने डॉक्टर से मिलके वो इनमें से कोई ना कोई टेस्ट करवाएंगे और जानेंगे कि आपको मलेरिया है या क्या है.
सो ये हुई बातचीत मलेरिया की. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. प्लीज शेयर द वीडियो विद एवरीबडी यू नो इन योर सोशल मीडिया एंड सब्सक्राइब द चैनल. आई एम डॉक्टर परमजीत. थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.